गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारे इस लेक्चर में पढ़ने वाले एंथैल्पी के बारे में। तो बच्चों, ये एक नया टॉपिक हो गया तुम्हारे लिए एंथैल्पी। लेकिन बिलीव मी, ये जो टॉपिक है बेटा एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे थर्मोडायनामिक्स में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है और इसका क्या नोटेशन होता है। देखो बच्चों, एंथैल्पी जो होती है इसको डिनोट किया जाता है एच की मदद से, ठीक है। तो एंथैल्पी जो होती है बच्चों, उसको एच की मदद से डिनोट किया जाता है। और ये जो एंथैल्पी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है और इसका यूज क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। चलो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो एंथैल्पी, इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी अराइजेस ड्यू टू इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर किसी भी बॉडी की आपको एंथैल्पी निकालना है, तो एंथैल्पी उस बॉडी की, जैसे कि ये पेन है, इस पेन की हमको एंथैल्पी निकालना है, तो इसके अंदर रहने वाली इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी अराइजेस ड्यू टू इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसको बोला जाता है एंथैल्पी। देन इसकी डेफिनेशन कैसे हुई बेटा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो तो क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, बराबर है कि नहीं है? एंथैल्पी इज इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी अराइजेस ड्यू टू इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। समझ में आया बच्चों? ये हो गई हमारी एंथैल्पी की डेफिनेशन। अब जैसे कि आप जानते हो, हमारा कोई भी सिस्टम रहता है तो उसकी दो स्टेट होती है, एक इनिशियल स्टेट होती है और एक प्रोसेस से गुजरने के बाद में वो हो जाती है फाइनल स्टेट पे, बराबर है कि नहीं बेटा? तो यहाँ की एंथैल्पी H1 हो गई, यहाँ की एंथैल्पी H2 हो गई, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, H1 इक्वल्स टू क्या हो गया, U1 प्लस P1 V1, और यहाँ पर क्या होगा, H2 इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2, बराबर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी। अब देखो बेटा, मैं जैसे आपको बताया कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी होती है, और इस टोटल एनर्जी को हम नहीं निकाल सकते हैं एट ऑल, हम नहीं निकाल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है वो होती है टोटल, और ये जो एंथैल्पी होती है, जब हम इंटरनल एनर्जी टोटल नहीं निकाल सकते तो एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं? बट हाँ, हम इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं, इसीलिए हम एंथैल्पी का भी चेंज निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एंथैल्पी की चेंज की बात करूं तो कैसे होगा बेटा? देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी U2 माइनस U1, और क्या होगा, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी B। समझ में आ गया बच्चों? ये बन गया, क्लियर है? अगर यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, इफ इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कहानी कैसी होगी, ये P क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए वो बाहर निकल जाएगा और हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हो गया हमारा एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला बच्चों, क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं है? आपने इसके पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चों देखा था इंटरनल एनर्जी, सॉरी सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था हमने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको कुछ बातें बताया था। देखो जी बेटा, ये बताया था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द क्यू प्लस डब्ल्यू, पढ़ा था हमने, ये देखा था हमने, बराबर है? तो बेटा उसमें मैंने आपको एक और बात बताया था कि ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने हर एक प्रोसेस पे पढ़े थे, जिसमें से एक प्रोसेस में हमको पता चला था कि क्यू पी इक्वल्स टू, याद आ रहा क्या, सिंस क्यू पी इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। समझ में आया क्या बच्चों? कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा दिमाग में? ऐसे ही कुछ देखा था ना, भूल गए क्या आप लोग? चलो मैं बताता हूँ आपको, याद है हमने आइसोबेरिक प्रोसेस, ये याद रखना क्या, प्रीवियस नोट, इसको थोड़ा ध्यान दो आप। आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में बात किया था हमने, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, हमको क्या मालूम था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे क्या रखे थे, माइनस पी एक्स डेल्टा वी, बराबर है? तो इसको इधर लेके गए थे हमने, तो इधर क्यू इक्वल टू क्या हो गया था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आया था ये। अब पी रखो या पी एक्स रखो, बात है कि ये कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर तो सेम ही है बच्चों। तो वहीं से, यहां से ही मैंने ये बातें निकाल के लेके आया, समझ में आ गया? तो
तो नाव आपको पता चला ये कहां से आया है, ठीक है बच्चों, ये पता है आपको। अब जैसे कि अगर ये इक्वेशन नंबर वन हो गया और ये इक्वेशन नंबर टू हो गया तो क्या होगा बेटा, फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी बन गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। दिमाग में आ गई बात है। तो बेटा ये थी हमारी एंथैल्पी के बारे में, हमने एंथैल्पी का जो अभी देखा है बस ये डेफिनेशन टर्म देखा है, और हमने हमारे टेक्स्ट बुक को सामने रख के पढ़ाई करना है, यानी हमारी जो टेक्स्ट बुक है बच्चों, हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, और इस टेक्स्ट बुक को फॉलो करके ही हमको पढ़ाई करना है। तो अब टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 72 पे ये सब चीजें दिया हुआ है आपको, क्लियर है बस। हाँ, टेक्स्ट बुक में क्या किया है बेटा, ये जो प्लस क्यूपी है, ये क्यूपी जो है इसको कैपिटल लिया है, ऐसा लिया है इसने, समझ में आया, तो आप ऐसा भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक नोड बताया था, समझ में आ गया बच्चों, एंथैल्पी चेंज नहीं आता का, दिमाग में बैठ गई होंगी बातें। तो अभी जो मैंने बताया आपको ये सब बातें किसके बारे में बताया, उन्हें एंथैल्पी चेंज के बारे में बताया, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ तो बच्चों हमारा अब जो टॉपिक है वो आपकी हेडिंग देख सकते हो आप यहाँ पर, द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अभी दो मिनट पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और मैंने आपको ये भी बताया डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, ये कुछ फॉर्मूले मैंने अभी दो मिनट पहले आपको बताया। देखो बच्चों, डेल्टा एच और डेल्टा यू इस फॉर्मूले में भी है, ये दोनों की रिलेशन यहाँ पर भी है। जो ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये आया था डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, जो अभी दो मिनट पहले बताया मैंने आपको, पर यहाँ पर भी वही बातें पूछा है उसने। लेकिन बेटा इन दोनों में कुछ फर्क है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ये लिख दोगे तो आपकी बातें गलत हो जाएंगी। क्यों गलत हो जाएंगी, देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन होना लेकिन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन यानी मींस क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ समझ में आएगा आपको। देखो अगर केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, तो उसमें रिएक्टेंट रहता है, और ये रिएक्टेंट फाइनली हमको क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, बराबर है कि नहीं। रिएक्टेंट से क्या बनता, प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को अपन N1 लेंगे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के N2 लेंगे। लेकिन एक बात बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ पर, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम N1 लेते हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को हम N2 लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि गैशियस मॉलिक्यूल के ही कंसिडर करना, सॉलिड और लिक्विड के आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ गैशियस के कंसिडर करना है, समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको लेना है, नंबर ऑफ मोल्स लेना है। तो इसके N1 हो गया, इसका N2 हो गया, दोनों का डिफरेंस अगर लूंगा मैं, इसको बोलेंगे डेल्टा N, तो ये हो गया बेटा N2 माइनस N1। तो यानी जब जब केमिकल रिएक्शन की बात हुई है, जब जब डेल्टा N यहाँ पर आएगा, बराबर है कि नहीं है। तो अब इस बातों को अपने को ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं कैसे करता हूँ, सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास कुछ है बेटा, क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमको मालूम है बच्चों, ठीक है, ये मुझे मालूम है। इसी के आगे कंटिन्यू ये लिखना है, वो तो बस ऐसे याद रहना चाहिए, इसे लिख के दिया मैंने, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है बच्चों। अब देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन, बराबर है कि नहीं है। अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, ठीक है। अब देखो सिंस पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, आपने सुना है ये आइडियल गैस इक्वेशन, ग्यारहवीं में पढ़ा था हमने गैसियस स्टेट लेसन में, है कि नहीं। देयरफॉर PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to क्या होगा N2RT, ये बन गया। अब ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो डेल्टा H is equal to क्या होगा, डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N1RT, ठीक है। RT कॉमन निकालो यहाँ से, डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा N N2 माइनस N1 डेल्टा NRT, बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, बन गई बात है, क्लियर है यहां तक का। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन किसका बना बताओ मुझे, किसका बना, ये इक्वेशन है वो,
रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शन। बेटा देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आता है ये, और ऐसा ही आएगा तो आपको सॉल्व पहले ऐसे करना पड़ेगा। पहले बता दो केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है, यहां से सॉल्व करो, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जैसे ये आया बेटा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शन, वैसे ही एक और क्वेश्चन आता है वर्क डन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा आता है। चलो वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम कैसा होगा वो वर्क डन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो मैं इसके यहां पर रब कर देता हूं इतना। तो अभी बेटा लेटेस्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो हमारा अभी क्या है, एक नया टॉपिक आ गया वर्क डन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वर्क डन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो वर्क डन, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है क्या, वी हैव, ठीक है बच्चों, वी हैव डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है माइनस पी एक्स डेल्टा वी, जानते हो माइनस पी एक्स डेल्टा वी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी वी टू माइनस वी वन बराबर है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन बराबर है बच्चों, क्लियर है, कोई परेशानी इसमें? फिर वही बात पी वी वन पी वी टू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एन टू आर टी प्लस एन वन आर टी बराबर है। अब इन दोनों का निकालो आंसर क्या होगा, देखो भाई ये माइनस का साइन है इसका प्लस का साइन है उल्टा है, तो माइनस डेल्टा एन आर टी आएगा बराबर है, इन दोनों का आंसर डेल्टा एन आर टी मैंने कॉमन निकाला, इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस डेल्टा एन आर टी, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहां पर अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन या व्हाट इज वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स, तो आप ये इतना सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके निपटा दिया बेटा, दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क के हैं, क्लियर है? तो देखो बच्चों हमने अभी तक पढ़ा क्या है, हमने अभी तक पढ़ा है एंथैल्पी के बारे में, और हमने पढ़ा है फिर एंथैल्पी को केमिकल रिएक्शन का तड़का लगाया है और वर्क डन का तड़का लगाया है। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी यानी क्या होता है, तो मैंने आपको एंथैल्पी के बारे में क्या बताया था कि देखो एंथैल्पी अगर इस पेन की एंथैल्पी निकालना है तो इस पेन की एंथैल्पी बोले तो क्या होगा, द एंथैल्पी ऑफ दिस पेन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस पेन इज पेन की इंटरनल एनर्जी जो होती है प्लस एनर्जी अराइजेस ड्यू टू इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो पी भी लिख सकते हो आप उसको, ये दोनों का एडिशन आप कर दो तो इस पेन की एंथैल्पी हो गई। इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी रहती है H1, फाइनल स्टेट में एंथैल्पी रहती है H2, दोनों का डिफरेंस जिसको हम लेते हैं डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला हमारा बना था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फिर हमको पता चला कि कुछ तो भी ऐसा होता है जहां से हमने क्यूपी लेके आया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, बराबर है, यहां तक हमने पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने आपको हेडिंग लिखाया था कि हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शन, तो इस रिलेशनशिप के फॉर्मूले में केमिकल रिएक्शन एक बात आई है, तो ये केमिकल रिएक्शन को हमने क्या किया चेंज किया है, भाई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है मैंने आपको बताया, और डेल्टा एन को मार्केट में लेके आया हमारे। अब डेल्टा एन आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद में हमारा ये फॉर्मूला बना, बराबर है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एन हमेशा रहना चाहिए, बराबर है बच्चों। अब उसके बाद हमने एक और टॉपिक देखे हैं, वो देखे हैं वर्क डन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, और इस वर्क डन फॉर अ केमिकल रिएक्शन में हमने ये सॉल्व किया है। तो बच्चों अभी तक जो पढ़ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब हम देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। हमारे लास्ट लेक्चर में कहां तक न्यूमेरिकल हुए थे, लास्ट लेक्चर में जहां तक न्यूमेरिकल हुए थे उसके आगे के न्यूमेरिकल मैं अभी लेता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हमारे साथ में एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है यहाँ पर, इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है आपको डेल्टा एच दिया हुआ है और निकालने बोला है डेल्टा यू, लेकिन आपको इसके साथ में एक रिएक्शन भी दी हुई है, तो यहाँ पर रिएक्शन का क्या यूज है। वैसे देखा जाए तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के फॉर्मूले, अगर मैं दोनों के आपस में फॉर्मूले देखो तो मेरे पास 2 फॉर्मूले है। देखो बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एक फॉर्मूला है, और एक है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डेल्टा एन आर टी एक फॉर्मूला है, बराबर है। हमारे पास में बच्चों 2 फॉर्मूले है, ये 2 फॉर्मूले हमको यूज करना है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे न्यूमेरिकल में केमिकल रिएक्शन दी हुई है,
तो केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो केमिकल रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा, और केमिकल का रिएक्शन का यूज करने के लिए हमको डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। मीन्स हमको फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, ऊपर वाला नहीं यूज करना है। वैसे भी ऊपर वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम चेंज और प्रेशर दिया हुआ है, और यहाँ पर कोई प्रेशर और वॉल्यूम चेंज की बात नहीं किया है, बात डिफरेंट है। टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, इससे भी समझ में आता कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर वाला नहीं करना है। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालना है, दो फॉर्मूले थे, हमको पता चला हमको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है। बस एक बार अगर आपको पता चल गया कि हमको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा एन। तो हमारी रिएक्शन देखो बेटा, ये रिएक्शन है 2C+3H2C2H6। ये गैशियस था, ये गैशियस था, ये सॉलिड था। यहां पर देखो N2, यहां पर होगा N1, N1 है 3। ये 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 को कंसीडर करना है, गैस वाला है। और यहां पर N2 कितना हो गया, N2 है 1, बराबर है। देयरफॉर डेल्टा N क्या होगा, N2 माइनस N1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो हमको डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, -84.4 किलो जूल। ठीक है कि नहीं है बच्चों, बराबर है ना। एक बात हमेशा याद रखना, डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में दिया हुआ है, आर की वैल्यू जूल में है, कंफ्यूजन नहीं करना। एक तो आप आर की वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, अगर आर की वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा होगा 8.314 × 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझा गया, क्लियर है। नहीं तो फिर इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता अगर आर की जूल में ही रखते तो। ये तो समझ में आ गया। अब एक और बात क्लियर है यहाँ पर कि अगर मैंने इसकी वैल्यू किलो जूल में रखा है, आर की वैल्यू किलो जूल में रखा है, तो डेल्टा यू भी किलो जूल में जाएगा। तो डेल्टा यू ये था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला बताओ मुझे। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना हमारा। अब क्या होगा बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, बन गया। देखो इधर लिखेगा, डेल्टा एच कितना है, -84.4, इसमें होगा -2, क्लियर है, -2। यहां पर होगा 8.314 × 10⁻³ × 298 केल्विन। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आता है बेटा -79.44 किलो जूल। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा सॉल्यूशन डेल्टा यू की वैल्यू। सिंपल था न्यूमेरिकल, कोई बड़ी बात नहीं थी इस न्यूमेरिकल में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये न्यूमेरिकल करते आना चाहिए, बहुत आसान न्यूमेरिकल था, मैंने अच्छे से समझा भी दिया है आपको। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल 4.8 न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में दिया है ना पर्टिकुलर रिएक्शन, 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड, 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। देखो भाई, सिस्टम बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले बताता हूं आप क्यू निकालो और डब्ल्यू निकालो। क्यू कितना है, हीट, हीट यानी क्यू इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम ने रिलीज की, सिस्टम ने सराउंडिंग को दिया है माइनस, माइनस 2 किलो जूल हो गया, और ये किलो जूल 6 वर्क डन हो गया ऑन द सिस्टम बोला ना, तो प्लस में रहता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो डेल्टा यू निकालने का तरीका, क्यू प्लस डब्ल्यू आप जानते हो अच्छे से, माइनस 2 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस 4 किलो जूल। क्या बोलते हैं, बराबर है कि नहीं है बातें, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच निकालना था, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी आप जानते हो ऑलरेडी, और क्यू कितना है यहाँ पर, 2 किलो जूल है, माइनस 2, इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 किलो जूल। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। बहुत आसान, बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल था, फटाफट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप के न्यूमेरिकल पे बड़े गौर देना, अच्छे से कुछ भी नहीं छोड़ना इस न्यूमेरिकल में, बहुत आसान होता है लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग भी होता है न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम देखेंगे, जो कि हमारा न्यूमेरिकल है 4.9। हाँ बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमको निकालना है वर्क डन, और ये न्यूमेरिकल में हमको एक रिएक्शन दी हुई है, लेकिन एक ट्विस्ट भी है, देखेंगे सबसे पहले।
कैलकुलेट वर्क डन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ एसओ टू. 4 मोल एसओ टू बोला है, देन भूलना नहीं बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. 4 मोल ऑफ एसओ टू, रिएक्शन 2 मोल एसओ टू लिखा है. देखो ना यहाँ पर 2 मोल एसओ टू की रिएक्शन लिखा है, ऊपर बोला 4 मोल एसओ टू के लिए. 2 मोल एसओ टू की रिएक्शन ये है, आर की वैल्यू दिया, स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. ये कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क पॉजिटिव आया तो ऑन द सिस्टम, नेगेटिव आया तो बाय द सिस्टम, खत्म. ये नीचे वाला कोई काम का नहीं है, ये बात ऊपर ऊपर इंपॉर्टेंट है. देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन को लिखूंगा, वो भी 4 मोल के लिए लिखना है. देखो सॉल्यूशन, रिएक्शन 4 मोल के लिए बनाते हैं, 4SO2 प्लस 2SO2 गिव्स 4SO3, बराबर है कि नहीं बच्चों? ये हो गया गैस, ये हो गया गैस और ये हो गया गैस. तो हमारा डेल्टा एन निकाल लो, N2 - N1. N2 कितना है? ये N2 4 है. N1 कितना है? ये 4 और ये 2 6 है. सब गैस वाले है ना भाई, गिन लो इसको, 4 और 2 6, इतना -2, बराबर है कि नहीं है? अब देखो वर्डन निकालना है तो वर्डन को फॉर्मूला लगाओ, -ΔNRT -2, बराबर है कि नहीं है? अरे डेल्टा एन -2 है ना, वही -2 रखेंगे. आर कितना दिया? 8.314 इंटू टी कितना है? 2980 होगा. अरे यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस उतना ही है. -1 गेट +4, 8.314 इंटू 298. जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा जून में, क्लियर है? देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको कितना आंसर आता है इसका. इसका आंसर आता है 4955 जूल, ठीक है, 4955 जूल. अगर इसको सॉल्व करेंगे किलो जूल में, 4.955 किलो जूल. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये रही बात हमारे न्यूमेरिकल्स की. तो आज बच्चों हमने कुछ थ्योरी पोर्शन देखा है, प्लस हमने हम 3 न्यूमेरिकल किए हैं आज. इतना आज के लिए काफी है, अच्छे से लिखो. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंथैल्पी फॉर फिजिकल प्रोसेसेस. बड़ा थ्योरी वाला टॉपिक है एक्चुअली. आप सबको नेक्स्ट इसके लिए बुक लेके साथ में बैठना पड़ेगा बच्चों, बुक से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? पर बहुत कम ही उसमें से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ऐसा फॉर सेक ऑफ नॉलेज दिया हुआ है. ठीक है बच्चों, तो ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही रहने दो. बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप भी थोड़ा पेशेंस रखो जैसे हमने रखा है, ठीक है? चलो ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो, नमस्ते.